हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर ट्यूटर फ्रॉम मेडिसी बायोटेक्नोलॉजी एजुकेशन। हमने जो है वाटर यूनिट का 6 पार्ट ऑलरेडी कर रखा है। आज हम लोग पार्ट 7 देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे बफरिंग एक्शन ऑफ द हीमोग्लोबिन। सो आइए स्टार्ट करते हैं बफरिंग एक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। ये हमारा डायग्राम रहा। सबसे पहले हम लोग इसको रीड करते हैं, देन डायग्राम से समझेंगे कि कैसे हमारा हीमोग्लोबिन जो है अपना बफरिंग एक्शन परफॉर्म करता है। सो इन द लंग्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन फ्रॉम रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन रिलीजेज हाइड्रोजन आयन विच रिएक्ट विद द बाइकार्बोनेट टू फॉर्म द कार्बोनिक एसिड। जो लंग्स में हमारा जो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लंग्स में क्या होता है। तो हमारे लंग्स में जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है, कहाँ से होता है? रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन से। जब हमारा रिड्यूस हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन में बदलता है तो हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर देता है, और यही हाइड्रोजन आयन जो है हमारा बाइकार्बोनेट आयन के साथ मिलकर हमारा कार्बोनिक एसिड बना देता है। द लो CO2 टेंशन इन द लंग्स सेट द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स द प्रोडक्शन ऑफ CO2। जो हमारा CO2 का अब हमारे लंग्स में जो है CO2 का अब अमाउंट जो है कम होगा, तो इसको इक्विलिब्रियम स्टेट में लाने के लिए कंटिन्यूसली CO2 का प्रोडक्शन होता रहेगा, और ये प्रोडक्शन जो है हम कंटिन्यूसली एलिमिनेट करेगा CO2 को एक्सपायर्ड एयर में। जैसे कि हमारा रिड्यूस हीमोग्लोबिन जब हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन में बदलेगा तो हमारा एक एच प्लस आयन रिलीज होगा। ये एच प्लस आयन बाइकार्बोनेट आयन के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बना लेगा, और CO2 टेंशन को मेंटेन करने के लिए हमारा H2CO3 से कंटिन्यूसली CO2 का प्रोडक्शन होता रहेगा एक्सपायर्ड एयर में, और वाटर मॉलिक्यूल तो हमारी बॉडी में ऐसे ही फ्लो करती रहेगी। अब आइए हम लोग देखते हैं इन द टिश्यूज द ऑक्सीजन टेंशन इज रिड्यूस्ड एंड हेंस ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट डिलीवरिंग ओ2 टू द सेल। टिश्यूज में जो हमारा ऑक्सीजन का टेंशन है वो कम हो जाता है। टिश्यूज में हमारा ऑक्सीजन का टेंशन जब कम हो जाएगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होती है मतलब जब हमारा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है तो उसको हम लोग ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है अपने आप को डिसोसिएट करके ऑक्सीजन की सप्लाई करती रहेगी सेल्स में, एंड रिड्यूस हीमोग्लोबिन इज फॉर्म, जिसकी वजह से हमारी रिड्यूस हीमोग्लोबिन बनती है। CO2 प्रोड्यूस बाई मेटाबोलिज्म इंटर्स द ब्लड। जो CO2 हमारा प्रोड्यूस हो रहा है मेटाबोलिज्म से, ये ब्लड में जाएगा वेयर इट इज़ हाइड्रेटेड टू फॉर्म द कार्बोनिक एसिड। जहाँ पर ये हाइड्रेट होगा, वाटर से हाइड्रेट होने के बाद ये बनाएगा कार्बोनिक एसिड विच फर्दर आयनाइजेस टू फॉर्म द एच प्लस एंड एच सी ओ थ्री माइनस, जो कि दोबारा आयनाइज होकर हमारा बनाएगा हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन। रिड्यूस हीमोग्लोबिन एक्ट एज एन आयन एक्सेप्ट द एच प्लस आयन फॉर्मिंग एसिड रिड्यूस हीमोग्लोबिन। जो रिड्यूस हीमोग्लोबिन है एन आयन की तरह काम करेगा और एच प्लस आयन को एक्सेप्ट करके बनाएगा एसिड रिड्यूस हीमोग्लोबिन। अब हमारा है वेरी लिटिल चेंज इन द पीएच अकर बिकॉज द न्यूली अराइव्ड एच प्लस आयन आर बफर बाय द फॉर्मेशन ऑफ वेरी वीक एसिड। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम पीएच में चेंज हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारा जो नया नया एच प्लस आयन बनकर आया है वो बफर किया जाएगा बाय द फॉर्मेशन ऑफ वेरी वीक एसिड। व्हेन द ब्लड रिटर्न्स टू द लंग, जब हमारा ब्लड जो है दोबारा रिटर्न करता है लंग के पास जाता है, दीज एच प्लस आयन आर रिलीज एज अ रिजल्ट of formation of stronger acid that is hemoglobin। जब हमारा एच प्लस आयन दोबारा से रिटर्न करता है लंग के पास जाता है तो यहाँ पर हमारा एच प्लस आयन इस प्रकार से रिलीज होता है ताकि हमारा यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड का। एंड द न्यूली रिलीज एच प्लस आयन इज प्रॉम्प्टली न्यूट्रलाइज बाई एच सी ओ थ्री माइनस। जो हमारा रिलीज हाइड्रोजन आयन है वो रिड्यूस हो जाता है एच सी ओ थ्री माइनस, क्योंकि एच सी ओ थ्री माइनस एच प्लस के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बना लेगा। दिस रिएक्शन इज नेसेसरी फॉर द लिबरेशन ऑफ सी ओ टू इन द लंग्स। ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है एच प्लस प्लस एच सी ओ थ्री माइनस का लंग्स में, क्योंकि लंग्स में हमारा सी ओ टू का लिबरेशन कराना है, इसी की वजह से ये रिएक्शन जो है बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। आइए हम लोग डायग्राम देखते हैं। ये रहा हमारा लंग्स,
ये हमारा टिश्यूज। जब हमारा रिड्यूस हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीडाइज होता है, देन एच प्लस आयन को ये रिलीज करता है, और ये एच प्लस आयन हमारा एच सी ओ थ्री माइनस के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बना लेगा। कार्बोनिक एसिड जब बन जाएगी तो हमारी कार्बोनिक एसिड सी ओ टू टेंशन को मेंटेन करने के लिए सी ओ टू को रिलीज करती रहेगी। तो यहाँ से हमारा वाटर तो हमारी बॉडी में चला जाएगा और सी ओ टू जो होता है कंटिन्यूसली एक्सपायर्ड एयर में जाती रहती है। अब टिश्यूज की बात करें तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म के थ्रू सीओ टू जो हमारी बॉडी में इंटर करता है तो ये हाइड्रेट होता है वाटर के थ्रू, तो हमारा कार्बोनिक एसिड बनाता है। कार्बोनिक एसिड फिर से हमारा जो होता है एच प्लस आयन को रिलीज करेगी और बाइकार्बोनेट आयन को बनाएगी। फिर से बाइकार्बोनेट आयन जो होता है हमारा फिर से वही प्रोसेस, बाइकार्बोनेट आयन हाइड्रोजन के साथ मिलकर हमारा कार्बोनिक एसिड बना लेगा। कार्बोनिक एसिड सी ओ टू का कंटिन्यूसली प्रोडक्शन करती रहेगी एक्सपायर्ड एयर में। सो ये रहा हमारा मैकेनिज्म इन लंग्स एंड टिश्यूज हाउ द बफरिंग एक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इज परफॉर्म। आइए हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। द कंसनट्रेशन ऑफ द एसिटिक एसिड इज गिवेन 0.20 मोलर एंड द कंसनट्रेशन ऑफ एसिटेट इज 0.30 मोलर। कैलकुलेट द पी एच ऑफ द मीडियम इफ द पी के ए ऑफ एसिटिक एसिड इज 4.76। अगर पी के ए एसिटिक एसिड का हमारा दिया हुआ है 4.76 और एसिटेट आयन की कंसनट्रेशन 0.3 मोलर दी हुई है और एसिटिक एसिड की कंसनट्रेशन 0.20 मोलर दी हुई है, तो हमें फाइंड करना है पी एच। तो पी एच का फॉर्मूला हमारा सबसे पहले देखते हैं कि पी के ए इज इक्वल टू पी एच माइनस लॉग ए माइनस बाई एच ए। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। सो व्हेन सी एच थ्री सी ओ ओ एच डिसोसिएटेड देन इट फॉर्म सी एच थ्री सी ओ माइनस प्लस एच प्लस। तो हमारा इसमें दे रखा है कि एसिटिक एसिड की जो कंसनट्रेशन है वो 0.20 मोलर है और एसिटेट आयन की कंसनट्रेशन 0.30 मोलर है। तो इसका मतलब कि हमारा ए माइनस की कंसनट्रेशन जो है 0.30 है और एसिटिक एसिड की कंसनट्रेशन 0.20 मोलर है और हमारा पी के ए की वैल्यू 4.76 दे रखी है। तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे पी के ए इज इक्वल टू पी एच माइनस लॉग ए माइनस बाई एच ए। जब हम लोग सारी वैल्यू को रख लेंगे तो हमारा ओवरऑल वैल्यू जो पी एच का आएगा 4.99 आएगा, मतलब ओवरऑल 5 के अराउंड हमारा पी एच जो है आ जाएगा आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द कंसनट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड एसिटेट आयन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ बफर विथ पी एच 5.20। द पी के ऑफ एसिटिक एसिड इज 4.76। हमें इसमें पूछ रहा है कि एसिटिक एसिड और एसिटेट आयन के कंसनट्रेशन का रेशियो पूछ रहा है जब हमारा पी एच जो है 5.20 है और पी के एसिटिक एसिड का 4.76 दे रखा है। तो सॉल्यूशन करते वक्त हम लोग सबसे पहले गिवन लिखते हैं। तो गिवन में हमारा पी के कितना दिया हुआ है 4.76, पी एच जो है हमारा 5.20 है। सो फॉर्मूला जब लगाएंगे हम लोग तो पी के ए इज इक्वल टू पी एच माइनस लॉग ए माइनस बाई एच ए। जब हम लोग सारी वैल्यू रख लेंगे तो हमारा जो रेशियो एसिटेट आयन और एसिटिक एसिड का आएगा वो 2.75 आएगा। हिंस द वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड द एसिटेट आयन इज 2.75। नाउ वी विल सी द इट इज द मोस्ट इट इज द वेरी लिटिल टॉपिक एंड यू कैन also leave that topic because it is not as much important because this is not mentioned in your syllabus, but for your basic knowledge about the hemoglobin you can study it. So आइए हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर जो होता है इसमें एक हीम ग्रुप जुड़ा होता है हमारा और इसमें जो होता है चार दो अल्फा और दो बीटा ग्रुप होते हैं और Fe2+ आयन जो होता है सेंटर में ऐसे रहता है, तो जिसको हम लोग प्रोटोपोरफायरिन रिंग प्लस Fe2+ बोलते हैं। फिर हीमोग्लोबिन नॉर्मल स्ट्रक्चर, जो हीमोग्लोबिन का नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है उसमें दो अल्फा प्लस दो बीटा होते हैं। हीमोग्लोबिन ए मॉलिक्यूल्स में चार हीम ग्रुप और ग्लोबिन चेन जो होती है उसमें दो अल्फा और दो बीटा कंसिस्ट होते हैं।
सो आज हमारा वाटर चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको वाटर चैप्टर कंप्लीटली समझ में आया हो। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन मेंशन योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड शेयरिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।